दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत ही बम्पर वैकेंसी, तो बने रहिएगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले फॉर्म भरने की ये वाली लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ से फॉर्म के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं और यहाँ से फॉर्म को भर भी सकते हैं। नीचे जो है फॉर्म भरा जा रहा है, अप्लाई ऑनलाइन सामने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पे आप करके फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। तो दोस्तों ये वेबसाइट सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम है। इस वेबसाइट पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे एक ही जगह। तो वेबसाइट को आप डेली देखा कीजिए 4 से 5 बार, क्योंकि यहाँ पे डेली की डेली वैकेंसी अपडेट होती है। यहाँ पे एडमिट कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, वैकेंसी आंसर की और एडमिशन फॉर्म, रिजल्ट और यहाँ पे वीडियो और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो इस वेबसाइट को आप डेली देखा कीजिए। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम की, या तो अपने गूगल में जाइए, अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, वहां पे लिखिए सरकारी जॉब फाइंड, SARKARIJOBFIND, और ये लिख के सर्च कर दीजिए। उसके बाद ये वेबसाइट आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगी सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम के नाम से। ये खोल लीजिए और देखते रहिए। ये फॉर्म जो है आर्मी रैली का फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पे एनसीसी वालों के लिए स्पेशल रूप से यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो ये फॉर्म के डेट के बारे में हम देखें तो 10 जुलाई से फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट की रखी गई है दोस्तों 8 अगस्त। किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं रखी गई है। 55 पोस्ट की वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे एएनसीसी वाले जो मेन है उनके लिए 50 पोस्ट, जनरल के लिए 45 पोस्ट और बटालियन के लिए 5 पोस्ट। एनसीसी वुमेन के लिए 5 पोस्ट है, जनरल के लिए 4 पोस्ट, बटालियन के लिए 1 पोस्ट। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको सी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है अपेयरिंग कैंडिडेट यदि है तब भी फॉर्म को भर सकते हैं। 2 साल का एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे वार्ड बटल कैजुअलिटीज के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, यहाँ पे हाइट जो रखी गई है 157.75 सेंटीमीटर मेन के लिए, वुमेन के लिए 152 सेंटीमीटर। रनिंग जो है 2 से 4 किलोमीटर की रनिंग 15 मिनट में कंप्लीट करनी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 19 साल और मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। एज जो काउंट होगी 1/1/2020 को काउंट होगी। यहाँ पे फॉर्म भरना है तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ पे है, नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन है, आप नोटिफिकेशन में सारी चीजें पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें लिखी है। तो ये वीडियो रहा, मुझे उम्मीद है दोस्तों अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वेबसाइट के बारे में सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम के बारे में अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।